और कुलचे गर्मा गर्म बन के रेडी हो गए हैं। आज हम बनाएंगे कुलचे की रेसिपी। कुलचा, कुलचे के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा। मैदे में हम तल लेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। फिर उसमें मोइन के लिए डालेंगे थोड़ा सा तेल, आप तेल या बटर जो भी चाहे ले सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, थोड़ा सा मीठा सोडा, खमीर उठाने के लिए इसमें दही। अब इसको पानी डालकर आटे के जैसे गूंद लेंगे। ये देखिए, ये डो हमारा इस तरह से तैयार हो गया है, सॉफ्ट डो। अब इसको हम रेस्ट के लिए 1 घंटे के लिए रख देते हैं। ये हमारा डो अब फूल के तैयार हो गया है। अब इसे हम ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस हिसाब से हल्के हाथ से इसको बेल देंगे। इस पर हम थोड़ा सा ये कलौंजी डालेंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती, फिर इसको ऊपर से ऐसे बेल देंगे। अब हम इसमें नीचे की साइड पानी लगा के इसको इसके डाल देंगे। अब ये थोड़ी सी देर हमें इसमें, जब तक ये फूलेगा, इसको कवर करने से ये अच्छी तरह फूल जाएगा। इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है ना इसको वो करना है। बीच बीच में हल्का पानी का छींटा देना है इसमें, साइड में हल्का हल्का पानी का छींटा दीजिए। स्लो, हमको मीडियम पे ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है ताकि ये अच्छी तरह से सीख जाए। इसे एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसे वापस से ढक देते हैं। इसे सीखने में कम से कम 5 मिनट लगता है। स्लो फ्लेम पे हम लोग सेकेंगे तो ये सीख के अच्छा कुरकुरा बन के तैयार होता है। ये देखिए, ये कुलचा हमारा फूल गया है। ये देखिए कितना अच्छा फूला है। ले और कुलचे गर्मा गर्म बन के रेडी हो गए हैं।